हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी में सेकंड प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस की। इससे पहले हमने डिस्कस की थी द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट टॉपिक इकोनॉमिक्स के मिल सके। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि एक इकोनॉमी ने अब ये तो डिसाइड कर लिया कि क्या प्रोडक्शन करना है, कंज्यूमर गुड्स का करना है या कैपिटल गुड्स का, लेकिन वो प्रोडक्शन करना कैसे है, इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ टेक्नोलॉजी। किसका क्वेश्चन है ये? टेक्नोलॉजी का, कि हम किस तरीके से प्रोडक्शन करने वाले हैं। किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में प्रोडक्शन करने के, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के दो तरीके होते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। अब लेबर इंटेंसिव, नाम से पता चल रहा है इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, लेबर की। कैपिटल इंटेंसिव, इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, कैपिटल की। तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें लेबर का ज्यादा यूज होता है और कैपिटल का कम, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में। लेबर इज यूज मोर रिलेटिवली इन कंपेरिजन टू कैपिटल। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में क्या होता है, कैपिटल इज यूज मोर इन कंपेरिजन टू लेबर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इस तरह की जो टेक्नोलॉजी होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, ये हेल्पफुल होती है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में लोगों को। बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है इससे। अगर लेबर की मदद से काम करवाएंगे इंडस्ट्रीज में, या प्रोडक्शन जो है लेबर की मदद से होगा, तो नेचुरल सी बात है बहुत सारी पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है, ये क्या है, इससे अनएम्प्लॉयमेंट फैलता है, लेकिन इससे भी एक बेनिफिट क्या होता है कि प्रोडक्शन जो है वो फास्ट होता है, ग्रोथ रेट कंट्री की फास्ट होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा कम कॉस्ट पे और फास्ट स्पीड से काम होता है इसमें। ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का फायदा क्या होता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और कम कॉस्ट पे होता है, लेकिन ये अनएम्प्लॉयमेंट भी फैलाती है कंट्री में, इट स्प्रेड्स अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम दूसरी बात करें कि कौन सी टेक्नोलॉजी किसी कंट्री को यूज़ करनी चाहिए, विच टेक्नोलॉजी कंट्री शुड यूज़, लेबर इंटेंसिव यूज़ करे या कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करे, ये डिपेंड करता है कि कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, कि उस कंट्री की सिचुएशन कैसी है। समझ में आ रही बात आपको, कि अगर कोई कंट्री लेबर अबंडेंट है, कैसा है, लेबर अबंडेंट, अबंडेंट मींस कि उस कंट्री में बड़ी मात्रा में लेबर अवेलेबल है, तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेगा, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। अगर कोई कंट्री कैपिटल अबंडेंट है, मींस वहां लेबर की कमी है लेकिन कैपिटल की कोई कमी नहीं है, मशीनों की कोई कमी नहीं है, फंड्स की कोई कमी नहीं है उनके पास, तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिनके पास लेबर कम होती है, पॉपुलेशन कम होती है। ठीक है, और जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ होते हैं जिनकी पॉपुलेशन तो ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे फंड्स की कमी है, मशीन्स की कमी है, तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, लेबर अबंडेंट टेक्नोलॉजी। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में काम ज़्यादा होता है, कम कॉस्ट पर होता है, लेकिन ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है। और लेबर क्या होती है, जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, और लेबर वहाँ पर चीप होती है, तो इसमें कॉस्ट भी कम आती है। अब एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, इन अ कंट्री लाइक इंडिया, कोई अगर इंडिया जैसा कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या यूज़ करेगा, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और साथ साथ जो मोटिव है गवर्नमेंट का, सोशल वेलफेयर, वो भी पूरा हो पाएगा। अगर इंडिया जैसा कंट्री कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करने लग जाता है तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन प्रेस करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।